अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदा तारिक, आपकी होस्ट। एंड आज मेरे साथ हैं, मेरे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं वहीद शहजाद साहब, जो कि ही इज़ सीईओ पॉपुलर पाइप ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो बाकी वो वुड लाइक टू नो, शहजाद साहब, वहीद शहजाद साहब, काइंडली आप बताइए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेरी वार्म वेलकम इन आर स्टूडियो, और प्लीज़ बताइए कि आप पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं, ये हाउ दिस कंपनी इज़ सर्विंग पाकिस्तान, एंड आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, सो हम आज जानना चाहेंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई 1970s से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाइप इंडस्ट्री के अंदर, और डे फर्स्ट से हम लोग क्वालिटी को फोकस किया है हमने, और स्टैंडर्ड्स पे काम किया है, वर्जन्स मटेरियल पे काम किया है। और एक ख़ास बात हमारे इदारे की हमेशा से ये रही कि अपने सार्फीन के लिए हमने खैर खाई का जज्बा रखा कि हम जो मसनूआत उनको देंगे वो मसनूआत उनके लिए फ़ायदा का बायस बने। बहुत हो तो इसके लिए हमने कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, और इस जज्बे से अल्लाह ताला ने बहुत फ़ायदा दिया बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी सी इंडस्ट्री से अल्लाह ताला ने इसको जो है वो ग्रुप ऑफ कंपनी बना दिया माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान के बाहर भी आज ये पॉपुलर पाइप्स जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पीवीसी पाइप्स हैं, पीपीआर पाइप्स हैं, गार्डन पाइप्स हैं, वाटर टैंक के प्रोडक्ट्स हैं, केबल ट्रंक्स हैं, पीवीसी बोर्ड है, वेरी नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नया प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल केबल पॉपुलर के नाम से इंशाल्लाह आ रहा है nice। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर भी सार्फीन की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी ये प्रोडक्ट जा रहे हैं। अभी लास्ट भी हमने जो बिग फाइव था दुबई के अंदर पार्टिसिपेट किया right। और तमाम प्रोडक्ट्स वहाँ पर हमने अपनी डिस्प्ले की, और इंशाल्लाह अब जो है फर्दर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी मज़ीद जो ज़रूरियात बढ़ रही हैं अपने कस्टमर के लिए हम और अच्छा प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आएँ। सो माशाल्लाह यू हैव अ बिग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड यू आर सर्विंग इन अ बिग रेंज। सो मुझे ये बताइए वहीद साहब के आपकी अचीवमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जी, अगर हम जानना चाहें तो जी। बस ये कि इंसान का काम तो कोशिश करना है, वो अपनी अपने सही रुख के साथ एक मेहनत करता है, कामयाबी तो अल्लाह ताला देते हैं बेशक। आप अपनी पूरी कोशिश करें, एफर्ट करें और अपनी सही नीयत के साथ करें। ट्रू। जब आपकी नीयत ठीक है, आपका जज्बा ठीक है, आप लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं, आप अच्छी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप अच्छी प्रोडक्ट लोगों को देना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको सक्सेस देता है, कामयाबी देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब हमने इस रुख के साथ काम किया है right। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है और अल्लाह पाक ने आगे बढ़ाया है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। सर आपके ख्याल में एक कामयाब सीईओ के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या ट्रेट्स होने चाहिए, व्हाट कॉम्पिटेंसीज यू थिंक कि कामयाब सीईओ में होने चाहिए, क्योंकि यू नो सीईओ इज द लीडर, सो आप क्या समझते हैं? आप ठीक कह रही हैं, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन जो मैं अपनी ज़िंदगी से देखता हूँ वो तो यही चीज़ें हैं कि आपको जो है ना अपने अपनी सलाहियतों को आप अपनी टीम के अंदर शिफ्ट करें। फिर अल्लाह ताला ने आपको कोई सलाहियतें दी हैं, आपको कुछ अच्छा करने का मौका दिया है, तो आप अपनी टीम के अंदर वो शिफ्ट करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर कामयाबी किसी एक फ़र्द से नहीं है बेशक, बल्कि ये एक पूरा टीम वर्क है। एग्जैक्टली, सारी टीम अगर आपके साथ मिलकर काम करती है तो आपको कामयाबी मिलती है, आप आगे बढ़ते हैं। तो एज अ सीईओ मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों के करीब हों, हम अपने जितने साथ चलने वाले लोग हैं उनके लिए खैर खाओं, हम उनके नफ़े के लिए सोचें, हम उनके लिए सोचें। जब आप अपने साथ चलने वालों के लिए सोचते हैं तो वो लोग आपके लिए काम करते हैं, डेफिनेटली, और लोग आपके करीब होते हैं, फिर वो आपकी सोच को समझते हैं कि मेरे इदारा के लोग, मेरी मैनेजमेंट, मेरे ऊपर डायरेक्टरान सीईओ क्या चाहते हैं, फिर उसको ले कर जब वो चलते हैं तो आप एक सक्सेस की तरफ चले जाते हैं। तो एज अ सीईओ मैं तो एक मैसेज ये दूंगा कि आप अपने लोगों के करीब हों, आप लोगों की नीड को समझें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलती है। सो सबका एक लाइफ में रोल मॉडल होता है, इंस्पिरेशन होती है, सो कौन है आपकी लाइफ में, आपका आपका रोल मॉडल कौन था? या तमाम मुस्लिम के लिए तो एक ही है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, उनके पास सहाबा की जिंदगी है, बिल्कुल जितना हम उनके करीब होते जाएंगे वो कंप्लीट पर्सनैलिटी, जहाँ से हमें हर मैसेज मिलता है, हमारी हर चीज का जवाब मिलता है। सो वेरी वेल सेड। इन द लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अ मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर आवर यूथ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सब्र। बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात की, बिल्कुल बहुत जरूरी,
ग्रोथ के लिए यू नीड टू हैव पेशेंस, देन आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है लाइफ में, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है, और इसी तरह से चलते हुए अल्लाह ताला बहुत नवाजते हैं। सो बहुत शुक्रिया वहीद साहब आपके प्रेशियस टाइम का, और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और इतना अच्छा आपने मैसेज दिया इन वन वर्ड। आई मस्ट से कि वहीद साहब ने सब कुछ बता दिया कि हाउ वी कैन मूव टूवर्ड towards success. So thank you so much once again coming to our studio. बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह।